शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किस हाल में बैठे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अच्छे ही हाल में है। आपको भी नज़र आ ही रहा है। शुक्र तो अदा करना चाहिए उसका हर हाल जी। आपको तो पता ही है किस हाल में हम। कोई नहीं आया आज भी, कोई नहीं आया। किस हाल में मुल्क चल रहा है हमारा? देखो जनाब, बस आप इतो खुश कर करके साडा हाल देखो। आप कड़िया पानी जी, ताकि सवारी आ जाए जी। जनाब सवारियां वास्ते के तो इतन 5 मिनट इंतजामात ने इना दे वास्ते साडी हुकूमत दे कोई इंतजाम ही नहीं गा थे। इत्थे आंदा है कोई? कोई भी नहीं आंदा। कोई नहीं आंदा जनाब। कोई आंदा होवे ते साडे बंदिया दे हाल इंज दे होन। आ देखो मेरा हाल आई, हूँ मैं अपने हथी इतों सारा पानी कढ़िया कि सवारियाँ आ के आराम ना यार। औरतां आंदियां ने, बीबियां, बच्चे आ, बजुर्ग आते हैं, ठीक है, कोई गिर जाएगा। आई हूँ इतों पानी कढ़िया मैं आप, आंदा ही कोई नहीं जनाब। जो किसी ने आना उन्हें पैसे मंगने ने, इन्ने पैसे लाऊंगा जी। फिर पैसे मंगते जी, पैसे दो तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। वरना नहीं, गवर्नमेंट को भी पैसे लेने रहे, आवाम को भी पैसे लेने रहे। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे को बगैर काम नहीं करते। ये काम नहीं होगा। ये छते तो खुदाना खास्ता थले आके मरना। अल्लाह रहम करे जनाब। देखो तुहानू नजर आ रहे हैं हालात, सारा तुहाडे सामने हालात ने, कोई तुहाडे कोल हालात नहीं जनाब। गरीब से गरीब हो जा रहा, मरी जा रहा, बल्कि कोई पूछने वाले नहीं है इनको। ये पीछे क्या होता है? पीछे गाड़ियां खड़ी होती हैं, काम होता है। मैकेनिक यही काम करते हैं, हर वॉशरूम भी इधर ही करते हैं लोग, जो भी आता है इधर ही होता है सब कुछ। ये निजाम है हमारे मुल्क का, जो अब तक नहीं सही हो चुका। नहीं हुआ सालों से ऐसे ही है भाई जान। ये सालों से मैं कह रहा हूँ, जब से हम इधर है तब से हम इसे देख रहे हैं ऐसे ही। इतनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 32 साल है भैया। 32 साल से आप ऐसे ही देख रहे हैं? हाँ जी। इसमें कोई तब्दीली? कोई तब्दीली तक मुझे 28 साल हो गया इधर लारी अड्डे में काम। एक टफ्टा ही लगी थी यहाँ पे बस, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। जो मैडम शहबाज शरीफ के दौर में जो मैडम आई थी ना इधर, अभी भी उन्हीं का दौर। जो मैडम आई थी ना, उन्होंने ये टफ्टा लगवाई थी, वरना उसके बाद तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि आपका क्या हाल है, मर गए हो, जिंदा हो, क्या बात है, कोई मसला। बस इधर आएंगे, ये मूवियाँ शूवियाँ बनाएंगे, चले जाएंगे। अगर सफाई करने वाला है उसको बोले यार ये यहाँ सफाई कर दो, वो बोलेगा पैसे दो। कभी कोई अफसर आया? कभी कोई अफसर नहीं आया जनाब, कोई अफसर नहीं आके पूछा किस हाल में हो? ना, कभी नहीं, कोई नहीं। ये आप ही हमारे पास आते हैं कभी कभी, आप हमसे पूछ के चले जाते। तो आते इसलिए ताकि दिखा सके वो जो बातें करते हैं उनकी जिम्मेदारी है ये। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अड्डा, पैसे दे रहे हैं आप लोग सरकार को, कमा के दे रहे हैं इसलिए आते हैं उनको दिखाने के लिए। ये गाड़ियाँ पर्ची देती हैं ना उधर, टूल टैक्स देती हैं, एक दिन ना दे तो ये गाड़ी नहीं निकलने देंगे, एक दिन ना दे। ये देखिए, ये पर्ची उसके लिए एक्टिव है। ये देखें, ये 200 रुपए की लैदा पर्ची है, 700 रुपए की एक लैदा पर्ची है। 200 रुपए की जो है ये पार्किंग पर्ची है, ये जो पर्ची है ये पार्किंग पर्ची, ये पार्किंग है। बताएं ये कौन सी पार्किंग है? और इसके बदले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपनी गाड़ी अपनी की हिफाजत भी खुद ही भाई जान, अपनी मदद अपने है। इधर वो साहब है जी, ये 660 की पर्ची है जी, ये जो रूट की पर्ची है वो है जी। ये देनी ये अगर ना दे तो गाड़ी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। वरना जो गाड़ी नहीं लेके गुजरेगी उधर से आगे से उनके आदमी बैठे हुए हैं, वो 11 गुना ले, वो एक्टिव है, वो एक्टिव है। बाकी कोई काम, बाकी कोई काम नहीं।